खबर आ रही है तो यूपी में 12 आईपीएस अधिकारियों के किए गए हैं तबादले। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, एसपी सिटी कानपुर अपर्णा गुप्ता बनी है और एसपी साउथ रवीना त्यागी को सीबीसीआईटी एसपी बनाया गया है। अंकुर अग्रवाल एएसपी नोएडा बने हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 12 आईपीएस अधिकारियों के किए गए हैं तबादले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी सिटी कानपुर अपर्णा गुप्ता को बनाया गया है और एसपी साउथ रवीना त्यागी को सीबीसीआईटी एसपी बनाया गया है और वहीं अंकुर अग्रवाल को नोएडा का एएसपी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों आईपीएस अधिकारियों 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। एसपी सिटी कानपुर अपर्णा गुप्ता बनी है और वहीं रवीना त्यागी को सीआईटी एसपी बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं। राहुल, इनके अलावा 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और कौन लोग हैं जिनको नए पदों में नियुक्त किया गया? देखिए, आपको बता दें कि 12 आईपीएस हैं जिनको इनके तैनाती में फेरबदल किया गया है। रवीना त्यागी जो अभी तक पुलिस अधीक्षक दक्षिणी थी कानपुर नगर, उनको सीबीसीआईटी भेज दिया गया है। इसके अलावा माधव प्रसाद वर्मा जो उन्नाव के पुलिस अधीक्षक थे, उनको यूपी 112 का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा हरदोई के जो पुलिस अधीक्षक थे आलोक प्रियदर्शी, उनको अम्बेडकर नगर भेज दिया गया है। तो 12 आईपीएस अफसर है जिनका तबादला किया गया है। इसके पहले 3 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया था जिसमें मैनपुरी के एसपी हटाए गए थे, उसके दूसरे दिन ही 12 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो यूपी के 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, अपर्णा गुप्ता बनी है एसपी साउथ, एसपी सिटी माफ कीजिएगा, एसपी सिटी कानपुर बनाई गई है अपर्णा गुप्ता और एसपी साउथ रवीना त्यागी को सीबीसीआईडी एसपी बनाया गया है और इन्हीं